रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना और भी आसान हो गया है। अयोध्या धाम से 8 शहरों के लिए स्पाइस जेट की वायु सेवाओं का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। ये फ्लाइट अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु के लिए चलेंगी। वहीं सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह का धन्यवाद किया। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है, जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं और अयोध्या की उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बात सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है।